तपस्या के मूल में अवसर जुड़े रहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये जो कोट है ये वर्तमान समय में बिल्कुल फिट बैठता है। हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कॉम्पिटिशन कम्युनिटी और टॉपर स्टॉक में मैं हूँ आपकी होस्ट निकहत परवीन खान। और आज के इस इंटरव्यू सेशन में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डिप्टी कलेक्टर एंड सीईओ ऑफ जनपद पंचायत ऑफ डिस्ट्रिक्ट पालोर श्री सुब्रत प्रधान सर। सर, आई विल वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर टीम ऑफ कॉम्पिटिशन कम्युनिटी। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं पिछले दो महीने खास करके हम सब के लिए बेहद मुश्किल भरी है। कोरोना महामारी, पेंडेमिक और लॉकडाउन ने चारों तरफ त्राही त्राही मचा कर रखी हुई थी और हर वर्ग इसे किसी न किसी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित रहा। इस महामारी के दौरान, इस पेंडेमिक के दौरान हेल्थ से जुड़ी जो समस्याएं, उसके अलावा भी हर वर्ग को किसी न किसी दूसरी तरह की समस्याओं से जूझना पड़ा। इतना तो हमें समझ में आ गया कि जीवन की पहली प्राथमिकता स्वयं हमारा जीवन है, लेकिन जो दूसरी चुनौतियां हैं वो भी कम नहीं थी। ऐसी ही कुछ चुनौतियों का जो सामना है वो स्टूडेंट्स के वर्ग को भी झेलना पड़ा। एग्जाम्स की अनसर्टेनिटी, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे, नए एग्जाम्स नहीं हो रहे, पुराने नहीं हो रहे, पोस्ट नहीं निकल रही, और एक तरफ हेल्थ तो दूसरी तरफ ये अनिश्चितता, ये दोहरा जो मनोवैज्ञानिक दबाव है उससे स्टूडेंट्स को जूझना पड़ा। उनकी रफ्तार कम हो गई, पढ़ाई की जो रिदम है, पढ़ाई का रिदम है वो टूट गया। अब जब हालात थोड़े सामान्य होने लगे हैं तब उनके सामने फिर ये एक चुनौती है कि कैसा अपना इंटरेस्ट, कैसा अपना मनोबल फिर से ऐसा किया जाए कि फिर से हम उस ड्रीम को अचीव करने की ओर अग्रसर। तो बस कोरोना काल में अपनी प्रिपरेशन कैसे करें, इन चीजों पर चर्चा करने के लिए आज सर हमारे साथ मौजूद हैं। क्योंकि देखिए, जब भी आपका मनोबल कम होता है तब आप ये हमेशा सोचें, तब हमेशा याद करें कि क्यों आपने स्टार्ट किया था, व्हाई यू स्टार्टेड। आप जिन ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हैं, अटेन करना चाहते हैं, उनके एक लाइव एग्जांपल आज हमारे साथ हैं। आप उस पद पर जाना चाहते हैं जहां सर अचीव कर चुके हैं, जो पद सर अटेन कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है सर की जो एक्सपीरियंसेस वो शेयर करेंगे वो आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर जरूर करेगा। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज इंटरव्यू सेशन। सो सर, how it feels to be a public servant, a civil servant? How it feels to be a public servant, ये अपने आप में एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि how it feels to be a civil servant, ये एक पब्लिक सर्वेंट जो सिविल सर्वेंट है वो बहुत बेहतर तरीके से ही बता सकता है। और बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट एंड सिविल सर्वेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हम सभी के लिए जो अभी करंटली सिविल सर्विसेज में है उनके लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हम लोगों ने ड्यूरिंग द पेंडेमिक एंड इवन बिफोर द पेंडेमिक हम लोगों ने बहुत लोगों को लक्ष्य में रखकर, आम जनता को लक्ष्य में रखकर काम करना, ये हमारा शुरुआत से लक्ष्य रहता है। लोगों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाना, ये मेरा अपना पर्सनल गोल रहा है शुरुआत से, और मैंने उसी के लिए हमेशा अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। इवन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन हम लोगों ने बहुत सारे सोच बना के रखे थे कि हम लोग सिविल सर्विस में जाएंगे तो ये करेंगे, हम सिविल सर्विस में जाएंगे तो वो करेंगे। तो हम लोगों ने धीरे धीरे, जब हम सिविल सर्विस में आने के बाद, जब हम लोगों का फाउंडेशन ट्रेनिंग हुआ, हमारी इंडक्शन ट्रेनिंग हुई, सभी ट्रेनिंग में हम लोगों को एक ही चीज बताया गया, नियम कायदों को पालन करते हुए आम आदमी, आम जनता के भलाई के लिए, हित के लिए जितना बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं आपको। बीइंग अ सिविल सर्वेंट हमारे लिए सबसे बड़ा जो खुशी की बात है और सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है, सबसे बड़ा हमारा जो गोल है वो यही है कि बीइंग यूजफुल टू द नॉर्मल एंड कॉमन पर्सन ऑफ दिस स्टेट। तो इसी के लिए हम लोग रात दिन अपना मेहनत करते हैं, और बाकी और भी लोग हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर, अदर डिपार्टमेंट्स एंड हमारा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेशन में सिंक में काम करते हैं। तो ये जो है एक अलग ही और एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है, हार्ट टचिंग फीलिंग। तुमने बहुत अच्छी बात कही कि डिसिप्लिन, नियम कायदे कानूनों के अंदर रह के आप जितना मैक्सिमम चीजें कर सकते हैं पब्लिकली होकर, तो देखिए दोनों चीजों को एक साथ मेंटेन करके इस पद को, इस पद की गरिमा को बरकरार रखना, ये अपने आप में एक चुनौती है जिसका सामना ये लोग करते हैं और उसे बखूबी निभाते भी हैं।
सर, हम सब आपकी सक्सेस स्टोरी जानना चाहते हैं, सब एस्पिरेंट्स हैं, सब बनना चाहते हैं डिप्टी कलेक्टर, तो जाहिर सी बात है वो जानना चाहेंगे कि आपने कब कैसे शुरुआत की और एक पोस्ट या मकाम कैसे हासिल किया। मैं एक गांव में पढ़ा लड़का हूँ और मैंने अपनी शुरुआती पढ़ाई स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से की है 12th तक की, और उसके बाद मैंने कुछ 2-4 साल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कोचिंग के लिए मैंने अलग अलग जगहों पे कोचिंग लिया, और जो मैं उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो मैंने एक नॉर्मल बैचलर ऑफ साइंसेस की कोर्स को साइंस कॉलेज से मैंने परस्यू किया है। उसके बाद मैथमेटिक्स में मैंने मास्टर ऑफ साइंसेस MSc मैंने कम्प्लीट किया इन द ईयर 2016 और 2016 के बाद से, और मैं अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों कोर्सेज के दौरान ही मैंने कहीं ना कहीं एक मन बना लिया था कि जाना तो सिविल सर्विस में, क्योंकि मेरे पापा के भी सिविल सर्विस के जॉब है, हालांकि काफ़ी मतलब कहना चाहिए सामान्य सा जॉब है, लेकिन उनसे मैंने बहुत इंस्पिरेशन लिया और वही इंस्पिरेशन लगातार बचपन से मुझे मिलता रहा। सो अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं जाऊंगा तो सिविल सर्विस। अब मेरे सामने सवाल था कि स्टेट PCS या तो फिर UPSC, तो मैंने ट्राई किया कि स्टेट PCS, UPSC के लिए हम लोग के पास इतने रिसोर्सेज एट दैट टाइम अवेलेबल नहीं थे अनफॉर्चुनेटली, तो मैंने सोचा कि क्यों ना स्टेट PCS कर लिया जाए और बाकी UPSC अगर समय मिलेगा तो UPSC भी करेंगे, लेकिन पहले स्टेट सर्विसेज हम लोगों ने मैंने ट्राई। तो स्टेट सर्विसेज के लिए मैंने प्रिपरेशन अपनी 2016 से स्टार्ट की, मैंने तकरीबन 2 साल कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगातार रेगुलर पढ़ाई की, और मेरा जो पढ़ने का तरीका है वो काफ़ी थोड़ा सा डिफरेंट है आम लोगों से, तो मैं किताब से ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा मैं आसपास के अपने माहौल से न्यूज़पेपर से मैगजीन से इन सबसे पढ़ना थोड़ा इंटरेक्टिव वे में पढ़ना ज़्यादा पसंद करता। तो ऐसे करते करते मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, मैंने 2016 PSC का पहला अटेम्प्ट दिया और मैंने प्री क्वालिफाई कर लिया, मेंस भी मैंने क्वालिफाई कर लिया और मैंने फर्स्ट टाइम भी मैंने इंटरव्यू तक पहुंचा और उस साल मेरी रैंक 303 आई थी। तो अनफॉर्चुनेटली उस टाइम उतने पोस्ट नहीं थे, या फॉर्चुनेटली कहें तो उतने पोस्ट नहीं थे, जिसकी वजह से मैंने कोई पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहा। तो अगली बार नेक्स्ट टाइम मैंने 2017 PSC ट्राई किया, प्री क्रैक किया एज इट इज, मेंस भी मैंने क्रैक किया, उसके बाद इंटरव्यू में मैं बैठा और रिजल्ट के बाद मेरा रैंक 23 आया, और फॉर्चुनेटली कहें तो उस समय 36 पोस्ट थे और मेरा रैंक चूंकि थोड़ा सा अच्छा आया था इस वजह से मुझे डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट अटेन कर पाया मैं, और इस तरह से टोटल मेरी जो जर्नी रही है तकरीबन मैंने 2 साल अच्छे से अपना मेहनत करके पढ़ाई किया और आज मैं जो हूँ और सामने वो सबको इंस्पायरिंग एक पोस्ट पर आ रहा है। बिल्कुल, जैसे कि दोस्तों कहा जाता है ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, दरअसल हौसलों से उड़ान होती है, और सर इसके जीते जाते एग्जाम्पल आपके सामने है। सो आई होप आपको काफी कुछ जानने को मिला। वो देखो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल तरीके से तो हर कोई पढ़ता है, पर जो अचीवर्स होते हैं उनकी पढ़ाई करने का तरीका कुछ ना कुछ अलग होता है, और जैसे कि सर ने कहा कि वो अपने आसपास के माहौल से ज्यादा सीखते हैं, तो आप अपनी खुद को एनालाइज करिए पहले कि आपको ज्यादा अच्छे से किस तरह तरीके से किस डायरेक्शन में कैसे पढ़ना है। हर किसी के पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है, आप कोई भेड़ चाल ना चले, आप अपने आप को एनालाइज करें और फिर अपनी तैयारी की शुरुआत करें, तभी आपको सही डायरेक्शन मिलेगा। तो ये सारी चीजें जानकर आया हूँ, आपको काफी चीजें पता चलती हूँ। सर अब एक दो चीजें आप लोग अब पद पे हैं, काफी आपको एक्सपीरियंस भी हो गया है, तो एक डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट को जब आप होल्ड करते हैं तो माइंडसेट कैसा होना चाहिए? माइंडसेट इंक्लूसिव होना चाहिए सबसे पहले तो मुझे, क्योंकि एज अ डिप्टी कलेक्टर आपको एक फील्ड में या एक डिपार्टमेंट में रिस्ट्रिक्ट होकर काम नहीं करना। करंटली आई एम वर्किंग इन पंचायत डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सो हमारा जो स्ट्रीम है ये जस्ट बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल, तो ये मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है, और इस वजह से इससे पहले मैंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कुछ समय एज अ तहसीलदार सर्व किया है, उसके बाद मैं अभी जनपद CEO के पोस्ट पर। तो आपको बीइंग अ डिप्टी कलेक्टर, बीइंग इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, आपको सारे डिपार्टमेंट के एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको इंक्लूसिव होना ज़्यादा जरूरी है, आपको सारे डिपार्टमेंट्स को समझना होगा,
सारे डिपार्टमेंट्स के लिए जो नेसेसरी नॉलेज है, वो नॉलेज को गेन करने के लिए आपका दिमाग हमेशा खुला होना चाहिए, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, दृष्टिकोण है, वो ज्यादा ब्रॉड होने की आवश्यकता है, कि आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के काम करने का तरीका, उनका नियम और उनके जो अधिनियम है, उनके बायलॉज जो होते हैं जिनसे वो डिपार्टमेंट गवर्न होता है, वो डिफरेंट होते हैं, और कहीं ना कहीं आपको सारे डिपार्टमेंट के लगभग सारे नियम थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, और बेसिक जो रूल है वो सभी जगह लगभग सेम होता है, और रूल कायदे से देखा जाए तो बनाए ही इस वजह से जाते हैं ताकि सारी चीजें रिटर्न में हो, जिससे किसी तरह की कंफ्यूजन की कोई स्थिति ना हो, और ज्यादातर रूल्स और ज्यादातर जो लॉज होते हैं वो पब्लिक को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हैं, ज्यादातर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स के, जैसे पंचायत में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इनके जितने भी रूल्स होते हैं वो सारे पब्लिक ओरिएंटेड रूल्स होते हैं, तो इन सारी चीजों को लेकर भी आपका एक दृष्टिकोण जो है बेहतर होना चाहिए। दूसरा, बीइंग अ डेप्यूटी डायरेक्टर, आपको इनोवेशन और किसी नए चीज को करने के लिए आपको या रिस्क उठाने का या तो फिर नए चीज को करने का जो आपका माइंडसेट मानसिकता है वो होनी चाहिए, क्योंकि आपको अदर डिपार्टमेंट्स जो रेगुलर काम करते हैं वो तो करते ही हैं, आप अगर उस रेगुलर वर्क में कोई अपना नया पॉइंट ऑफ व्यू जोड़ सके, कोई नया दृष्टिकोण जोड़ सके, या कोई ऐसा इनोवेटिव आइडिया आपने अगर प्रपोज किया, तो उससे क्या होता है कि उस डिपार्टमेंट में एक रिजुविनेशन जैसा होता है, तो इससे जो है कहीं ना कहीं आपको अच्छे कामों के लिए याद भी रखा जाएगा, और दूसरा आपको उस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए उस फील्ड का जो अनुभव वो आपको आगे बढ़ाता है। तो बीइंग अ डेप्यूटी डायरेक्टर मुझे लगता है कि इनोवेशन एंड इंक्लूसिवनेस, ये दो चीजें। जैसे कि आपने सुना ही सर को कि दृष्टिकोण बहुत इम्पोर्टेंट होता है, एंड यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल, नॉट नेसेसरी मास्टर ऑफ एनी, होते हैं मास्टर ऑफ नन, जैक ऑफ ऑल होना चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं कि हमने एक चीज में स्पेशलाइजेशन किया, हमने मास्टर्स की, पीएचडी की, बट हम जब सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करते हैं तो हमको हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ता है, साइंस भी पढ़ना पड़ता है, व्हाट इज द यूज? अब आपको समझ में आ रहा होगा यूज क्या है, आपको हर डिपार्टमेंट को मैनेज करना है, एडमिनिस्ट्रेटर। तो सर जैसे कह रहे हैं कि आपको हर किसी से डील करना है, तो सबकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, शायद इसीलिए सिविल सर्विस से सभी की जनरलाइज नॉलेज की उम्मीद की जाती है। ठीक है, अगला सवाल सर मेरा आपसे ये है कि इस पोस्ट पर अभी तो हम यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट्स मुखातिब हैं, तो उनको तो अपने पढ़ाई की प्रिपरेशन की प्रेशर झेलना पड़ता है, चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जब इस पद पर व्यक्ति आ जाता है, आपको अपने वर्क लाइफ में किस तरह के चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं और आप उसे कैसे डील करते हैं? सबसे पहला तो मेरे वर्क लाइफ में वर्क जो बर्डन होता है वो नॉर्मली चौतरफा होता है। एक तो हमें क्या है कि सीनियर्स के द्वारा दिए गए टारगेट, जो हमारे जो उच्च अधिकारी उनके द्वारा दिए गए टारगेट्स को कंप्लीट करना है, और वो टारगेट कंप्लीट करते हुए हमारे पास एक पब्लिक का कंस्ट्रेंट भी होता है कि पब्लिक के नज़र में वो काम उनके लिए उनके लाभ का, उनके फायदे का होना चाहिए और उनके हित का होना चाहिए, जनरली ऐसा होता भी। तीसरा होता है कि जो हमारा जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट में हम लोगों को काम करना होता है, वो एनवायरनमेंट किस तरह का होता है, ज़्यादातर हमारे जो सहकर्मी होते हैं या ज़्यादातर हमारे जो नीचे काम करने वाले जो ऑफिसर्स या जो कर्मचारी होते हैं वो लोकल होते हैं, तो वो लोकल नॉलेज को लेकर आते हैं, तो ये सारे एनवायरनमेंट के बीच में हमको काम करते हुए बेहतर से बेहतर, तो ये जो है हमारा इस वर्क का एक बहुत कहने तो क्रक्स है। तो आपको अगर इस तरह का काम करना है तो आपको ये सारी चीजें, ये जो वर्कलोड है, ये सब आपको मैनेज करते हुए चलना है, और इतना सब मैनेज करने के बाद यू हैव टू फाइंड सम पर्सनल टाइम फॉर यू। सो इस तरह की चीजें जब आपको समझ में आती है तो धीरे धीरे शुरू शुरू में बहुत दिक्कतें आती है कि इतना सारा काम है कैसे करेंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का जो जो हायरार्की एंड स्ट्रक्चर है उसमें आप जितना पायदान ऊपर चढ़ते जाएंगे आपका वर्कलोड उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, बिकॉज आपका फील्ड बड़ा होता जाएगा। बीइंग अ जनपद सीईओ, मैं एक जनपद अटेंड करता हूँ, बीइंग अ जिला पंचायत सीईओ, हमारे जो सर है वो पूरे जिले का एडमिनिस्ट्रेशन पंचायत एंड रूरल डिपार्टमेंट में देखते हैं। बीइंग अ कलेक्टर, आपको सारे डिपार्टमेंट्स मैनेज करते हैं जो करना पड़ते हैं, जो तकरीबन 47 to 58 हो सकते हैं, पूरे पूरे डिपार्टमेंट आप जो है अकेले मैनेज करेंगे, आप उस डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं।
हर डिपार्टमेंट। सो बीइंग अ कलेक्टर आपका काम बहुत एक्टिव हो जाता है। फिर कलेक्टर साहब से ऊपर जाए तो सेंट्रल लेवल पे आपका जो अपॉइंटमेंट है वो पूरे स्टेट को देता है। सो ये जब शुरुआत में जब एक सीजन जो सिविल सर्विस होता है उसको शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम आती है जब तक वो सीजन नहीं होता। सीजन होने के बाद आपको पता चल जाता है कि कौन से काम में हमको आपको प्रायोरिटाइज करना है कि ये काम मुझे पहले करना है, उसके बाद ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है, तो उससे आपका टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिक। तो ये चीजें धीरे धीरे आती जाती है। और मैं जब से मैंने जॉब ज्वाइन किया तब से लेके अब तक मैंने बहुत सारी चीजें ऐसे सीखी है। प्रायोरिटाइज करना मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, धीरे धीरे हम लोग जो है अडेप्ट करना सीखते हैं। और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं काफी सारा टाइम भी आपको अपने लिए मिलता है जिसमें आप अपना माइंड फ्रेश कर सकते हैं, जिसमें आप अपना मूड फ्रेश कर सकते हैं, और जिसमें आप नॉर्मल खाली टाइम में भी आप अपने जॉब से रिलेटेड, अपने वर्क से रिलेटेड कुछ नया, कुछ इनोवेटिव करने का या कुछ इनोवेटिव सोचने का आपको टाइम मिलता है। फुल टाइम जॉब जैसे कि लोग कहते हैं कि अगर आप सिविल सर्विस में आ जाएं तो आपके पास पर्सनल लाइफ, अगर घर में भी रह रहे तो आपको कुछ नया सोचना पड़ता है। कैसा रहता है कि 24 घंटे की ये ड्यूटी रहती है, इट इज ईदर ऑन ड्यूटी या घर में भी आए तो फिर आपका दिमाग भी वहीं रहता है, सब कुछ आपको जनरली इट इज 24 आवर्स जॉब। बट ऐसा कुछ ये नहीं रहता है कि आपको जनरली ऑफिस में रह के आपको 24 आवर्स काम करना है। आपको ऑफिस से छुट्टी का टाइम जो है सबका डिसाइडेड। ऑल्दो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब मीन्स 10-5 जॉब, बट आपको जब आप फंडामेंटल रूल्स पढ़ेंगे, जब आप CCA रूल्स पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट जॉब इज 24 आवर्स जॉब, वेदर इट इज अ प्यून और वेदर इट इज अ कलेक्टर, सभी की जॉब 24 आवर्स की जॉब। बट मोस्ट ऑफ द पीपल हैव द गट्स टू से दैट वी हैव टू वर्क फ्रॉम 10-5, जबकि ये गलत है। जब हमारे रूल्स में ही लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट जॉब 24 आवर्स जॉब, रूल में प्रॉपर लिखा हुआ है। और इवन द हॉलीडेज दैट वी टेक दैट इज आल्सो नेसेसरी दैट वी हैव टू रिपोर्ट इट टू आवर सीनियर्स एंड वी हैव टू गेट द फुल परमिशन इन रिटर्न सो दैट वी कैन लीव फॉर द हॉलीडेज। विदाउट रिटर्न परमिशन वी कैन नॉट लीव फॉर हॉलीडेज। सो यही जो काम है लोगों को लगता है दे टेक इट फॉर ग्रांटेड। आई कैन नॉट से फॉर एवरीवन, बट ऐसा जनरली होता है कि गवर्नमेंट जॉब है तो हम आसानी से कर लेंगे क्योंकि इसमें लोड नहीं रहता। नहीं, ऐसा नहीं। आपको 24 आवर्स सजग रहना चाहिए। आपको अपने काम के लिए अगर 100% डेडिकेटेड है देन यू डोंट हैव टू हेजिटेट फॉर 24 आवर्स। आपको हेजिटेट करने की जरूरत ही नहीं। और लोग लेकिन ये समझ के बैठते हैं कि ये 24 आवर्स की जॉब नहीं है, जबकि ये 24 आवर्स की जॉब है। अगर वो कोई बाबू है तो भी उसकी जॉब 24 आवर्स की है, वो 100% ऑन ड्यूटी माना जाएगा 24 आवर्स। जब भी उसको बुलाया जाए वो काम करने के लिए बाध्य है क्योंकि हमारा रूल में लिखा हुआ है, लेकिन लोग इसको टेकन फॉर ग्रांटेड। बट एनीवेज वो एक मेंटालिटी का धीरे धीरे आते आते आ जाएगा। लेकिन जब आप इसको 24 आवर्स की जॉब के रूप में लेते हैं तब आपको समझ में आता है कि नो इट्स नॉट एक्चुअली दैट हेक्टिक, क्योंकि आपके पास करने के लिए पूरा समय है। हाँ, ऐसा कभी कभी होता है जैसे चुनाव का वक्त हुआ, जैसे अचानक से कोई हमारा क्लाइमेट डिजास्टर आ जाता है, जैसे करंटली डिजास्टर जो चल रहा है इसमें आपको कभी भी कहीं भी काम करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए और जनरली भी आपको तैयार रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि नॉर्मल टाइम डिजास्टर टाइम बहुत टाइम करेगा, आप नॉर्मल टाइम में भी 24 आवर्स रेडी हो काम करने के लिए, दैट्स ओके, क्योंकि डिजास्टर के टाइम पे तो आपको वैसे भी करना है। जैसे कहीं फ्लड आ जाता है तो बीइंग अ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिसर आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट का फुल नेम ही यही होता है, रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट होता है। सो कभी भी अगर डिजास्टर आ जाती है, जैसे कहीं फ्लड आ गया और कोई पूरा गांव जो है नाले के वजह से पूरा कट गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सो ऐसी चीजें मैंने फेस की है, तो आपको वहां तुरंत रेस्क्यू टीम भेजना पड़ेगा, तुरंत नेसेसरी राशन वगैरह सप्लाई कंप्लीट करवानी पड़ेगी। हो सकता है वहां किसी तरह का मेडिकल इमरजेंसी हो तो आपको रेस्क्यू करके लाना भी पड़ेगा, इसके लिए आपको एवरी टाइम रेडी रहना चाहिए। तो ये जो है इन अ वे आप कहेंगे तो 24 आवर्स की जॉब है, और अगर आप दूसरे नजरिए से देखें तो 25 जॉब है। तो विद पावर कम्स द सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, मोर द पावर मोर द रिस्पांसिबिलिटी। तो अगर आप इस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तो आपको इन चीजों के लिए रेडी होना चाहिए। मल्टीटास्किंग ऑल दो है, बट अगर आपकी स्किल्स उसमें अच्छे हैं विद टाइम आप इन चीजों को अच्छे से मैनेज जरूर कर लेंगे जैसे कि सर करते हैं।
So finally, sir, अब as a student, students की जो ज्यादातर queries होती है, क्योंकि अभी उस पायदान पे खड़े हैं, वो कि preparation कर रहे हैं, आप अगर हमें specific exam की बात करें, तो prelims main जब आपने दिया था, जब crack किया था, तब आपकी क्या strategy थी? prelims में मेरी strategy ज्यादातर यही रहती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करना है. So prelims में because it's an objective type of तो आपको समझ में आता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सटीक आंसर सही आंसर विद इन द गिवन टाइम लिमिट्स आपको. लेकिन मेंस के लिए स्ट्रेटजी जस्ट चेंज हो जाती है. व्हाट यू ऑलरेडी नो, आपको एक सर्टेन प्रारूप में सर्टेन ढांचे में आपको उसको ढाल के दिखाना है, और वो भी इतने इफेक्टिव तरीके से कि सामने वाले उसको पढ़ने को मजबूर होता है. बिकॉज मेंस के एवेल्युएटर के पास बहुत सारी कॉपीज आती है, सो यू हैव टू एवेल्युएट. Even if he has to evaluate two copies in a day, उसको उसके पास उतना ज़्यादा मतलब पढ़ने का तो काफी टाइम होता है, लेकिन सामने वाले की मेंटालिटी सब्जेक्टिव पेपर और ऑब्जेक्टिव पेपर में यही फर्क होता है, तो उसकी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है. तो आपको सब्जेक्टिव पेपर भी इस तरह से लिखने हैं जैसे आप पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होकर लिखते हैं, और दूसरी बात आपको पढ़ने के लिए इतना इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा. तो प्री की तो आपकी स्ट्रेटेजी यही होना चाहिए कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना हो सके नॉलेज गेन कीजिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सवालों के सही आंसर दे सकें. तो प्री के गेट में जब आप पार कर लेते हैं, तो मेंस के लिए आपका स्ट्रेटजी यही होना चाहिए कि आप सबसे ज्यादा बेहतर से बेहतर आंसर राइटिंग कर सकें. आंसर राइटिंग के दो तीन टेक्निक्स हैं. आप वोकैबुलरी अपनी स्ट्रांग रखिए, ज्यादा से ज्यादा ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए जो मानक भाषा में इस्तेमाल होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज. ऐसा नहीं कि आप बोलचाल की भाषा इस्तेमाल, वो थोड़ा सा फॉरबिडन माना जाता है आंसर राइटिंग में और फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन में. वो आपको ज्यादातर आपको स्टैंडर्ड लैंग्वेज ही यूज करना है. इसका एक रीजन है, बिकॉज जनरली जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे तो आपको बहुत सारे लेटर्स बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे लेटर्स जो बहुत सारे ऑर्डर्स बनाने पड़ते हैं. पब्लिक के लिए ऑर्डर अगर बनाना है, या पब्लिक के लिए कोई लेटर जारी करना है, या अपने हायर ऑफिसर को लेटर जारी करना है, दैट शुड बी स्टैंडर्ड लैंग्वेज. और वो जो लैंग्वेज है उसकी जानकारी आपको मेल्स लिखने के बाद बहुत बेहतर तरीके से आ जाए. So, एक ड्राफ्ट बनाना, एक ड्राफ्ट फॉर्मेट करना, किसी तरह के मीटिंग का मिनट्स आपको तैयार करना है, तो इस तरह की चीजें करने के लिए आपको स्टैंडर्ड लैंग्वेज की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जिसके लिए आपको आपकी अगर वोकैबुलरी रिच रहेगी, आपका शब्दकोश ज्यादा मतलब परिपूर्ण होगा, तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से और एक ही बात को आप चार अलग अलग तरीके से बता पाएंगे, और चारों अलग अलग तरीके जो है इंटरेक्टिव, इंटरेस्टिंग और पढ़ने के लिए बहुत अच्छे लगे, तो ये तरीका एक होना चाहिए. दूसरा, आपको वाक्यांश जो फ्रेजेस है, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सारी चीजों का समावेश आपको अपने भाषा में जरूर करना चाहिए. जैसे जनरली हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं वर्ड, एकदम सिंपल सा वर्ड, मैं कगार पे खड़ा हूँ, किसी चीज के कगार पे खड़ा हूँ, है ना, जैसे मैं टूटने के कगार पे खड़ा हूँ, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल हम लोग डेली के लैंग्वेजेस में नहीं करते. लेकिन अगर आप इसी चीज को मेंस के किसी आंसर में अगर आप डालते, तो ये बहुत पढ़ने के लिए बहुत अच्छा ये फ्रेज बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है. सामने वाला पढ़ने के बाद थोड़ा सा अम्यूज भी फील करेगा, थोड़ा सा उसको अच्छा भी फील होगा. जैसे आप नॉर्मल न्यूज़पेपर की लैंग्वेजेस होती है, न्यूज़पेपर में जो कॉलम्स आते हैं, आपको कॉलम पढ़ना चाहिए. कॉलम बहुत अच्छा सोर्स ऑफ नॉलेज भी होते हैं, सोर्स ऑफ वोकैबुलरी भी होते हैं, और सोर्स ऑफ जो इनडायरेक्ट जो वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एनी फीलिंग्स, उसका एक बहुत अच्छा तरीका. तो कॉलम्स पढ़ने को मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ, और मैं बहुत सालों तक पढ़ता भी था, जब तक कि मैंने सेलेक्ट हुआ, सेलेक्ट होने के भी साल डेढ़ साल तक के मैं पढ़ता रहा. अभी जनरली क्या है, हमारा शेड्यूल थोड़ा सा एक्टिव हो गया, सुबह सुबह पेपर कम पढ़ पाता हूँ, अदरवाइज मैं पेपर किसी भी दिन स्किप नहीं करता था. मैं 11 साल की उम्र से पेपर पढ़ते हुआ, तो इस वजह से वोकैबुलरी काफ़ी अच्छी हो गई. फिर फ्रेजेस, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, फ्रेजेस एंड इडियम्स बहुत अच्छे से, बहुत सारे इंग्लिश में भी एज वेल एज हिंदी बहुत अच्छे आते हैं. तो इस वजह से जो है मेल्स लिखने का ये जो तरीका है ये बहुत अच्छा है. तो आपको फ्रेजेस, वोकैबुलरी और जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज का प्रैक्टिस है, ये आपको जरूर करना चाहिए. दूसरा, आपको मेल्स के लिए राइटिंग का प्रैक्टिस कि एक आंसर अगर 100 वर्ड्स का है तो लिखने में कितना टाइम लग रहा है, इंक्लूडिंग द टाइम दैट यू टेक टू थिंक अबाउट इट. आपको जितना टाइम सोचने में लग रहा है वो भी आप उसको इंक्लूड करते हुए एक 100 वर्ड्स के आंसर को कितना टाइम लग रहा है, आप ये भी आप टेस्ट करें. और तीसरा जो हमारा पड़ाव है मेंस पार करने का, इंटरव्यू. देखिए, मार्क्स जो है वो
टोटल मेंस बनाता है, आपके सिलेक्शन मेंस पे निर्भर है, लेकिन सिलेक्शन के बाद आपकी रैंक, आपका जो पोस्ट है वो इंटरव्यू डिसाइड करता है। आप कई कई बार एक्सेप्शन होता है कि आपने मेंस में एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया, इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसके बाद आपने इंटरव्यू में बहुत लूज परफॉर्म किया, उसके बाद भी आपका नंबर बढ़ गया, लेकिन ऐसा जनरली बहुत कम होता है। आप हर साल में आपको एक या दो केसेस ऐसे मिलेंगे, अदरवाइज जनरली यही रूट फॉलो होता है कि आपको सिलेक्ट मेंस करवाएगा, मेरिट लिस्ट में मेंस ले आएगा, इंटरव्यू आपको अच्छा पोस्ट मिलेगा। तो इंटरव्यू में आपका जो पर्सनैलिटी, ऑब्वियसली इंटरव्यू जो है उसका दूसरा नाम ही है पर्सनैलिटी टेस्ट है, तो आपको पर्सनैलिटी को अपना बेहतर से बेहतर निखारना है। किसी के सामने बात करने का तरीका, बैठने का तरीका, किसी को अपना जवाब देने का जो तरीका है, किसी से सवाल पूछने का तरीका, यहाँ तक कि आपको जो नॉलेज है किसी सब्जेक्ट के बारे में, अगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप फील्ड के जॉब में, I'm not talking about office job में भी कई बार ऐसा होता है कि आपको पब्लिक इंटरेक्शन करना पड़ता है, लेकिन जनरली फील्ड के लोगों से यह एक्सपेक्टेशन होता है कि आम पब्लिक से जो वो इंटरेक्शन करेंगे वो बेहतर लेवल पर करेंगे। तो एक जो सिविल सर्वेंट या एडमिनिस्ट्रेटर के लेवल का जो वे ऑफ कम्युनिकेशन वो आपका बेहतर से बेहतर होना चाहिए, उसके लिए पर्सनैलिटी टेस्ट दिया जाता है। तो सिविल सर्विस, किसी भी सिविल सर्विस में, चाहे आप स्टेट पीसीएस में हो चाहे यूपीएससी में हो, यही पैटर्न फॉलो करने का कारण ये है कि आपका ऑब्जेक्टिव नॉलेज, आपका सब्जेक्टिव नॉलेज एज वेल एज आपका जो पर्सनैलिटी, तीनों का टेस्ट हो जाए, ताकि आप जब एडमिनिस्ट्रेशन में आए, ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें आपके मांझी जाएंगी, बहुत सारी चीजें आपके सुधारी जाएंगी, लेकिन उससे पहले कम से कम एक मिनिमम लेवल ऑफ जो थ्रेशोल्ड है जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नॉलेज एज वेल एज आपका पर्सनैलिटी, ये तीनों टेस्ट हो जाना चाहिए। इसी वजह से ये इस तरह का पैटर्न है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए आपको बिल्कुल किसी चीज में झिझकना नहीं है, जो चीज आप जानते हैं एज इट इज आप उसको एक्सप्रेस कीजिए विदाउट गिविंग योर ओन ओपिनियन इफ नॉट नीडेड। अगर आप उसे पूछा नहीं गया आपको ओपिनियन तो आप मत दीजिए, आपसे अगर पूछा गया आपको ओपिनियन तो आप दीजिए, लेकिन बैलेंस ओपिनियन होना चाहिए। यू शुड नॉट बी एवरी वे, आपको किसी तरह के एज पे खड़े नहीं होना है हमेशा कि हम इस कोने में हम तो उस कोने में जाएंगे, आपको बैलेंस वे मिलेगा, जिसको गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग कहा है, आपको मध्यम मार्ग लेके चलना है, क्योंकि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको किसी भी एज पे खड़ा हुआ, किसी के साथ झुका हुआ नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल डिप्लोमेटिक अप्रोच, बट डिप्लोमेटिक अप्रोच शुड बी क्लियर कि हमारा ऑब्जेक्टिव है लोगों का भला करना, नियम कायदों के दायरे में रहते लोगों का भला करना, ये हमारा अप्रोच होना चाहिए। इसीलिए ये तीनों एग्जाम्पल, ये कम्युनिकेटिव जो अप्रोच है वो इस तरह का। तो सर से आपने सुना इसकी होलिस्टिक अप्रोच, साहिब की बात है सर जो कह रहे हैं उसे समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम्स जो होता है वो सीरियस नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को छांटने के लिए होता है, मेंस का जो मोटिव होता है वो आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है, और तीसरा जो इंटरव्यू होता है वो आप किस पद पर जाने वाले हैं वो आपका इंटरव्यू डिसाइड करता है। प्रॉब्लम्स छांटता है, मेंस आपको सिलेक्ट करवाता है, और जो इंटरव्यू है वो आपको रैंक या मैं कहूँ आप किस पद पर आने वाले हैं वो डिसाइड करता है। और सर ने बहुत अच्छे से तीनों ही तरह की अपनी एक्सपीरियंस से सारी स्ट्रेटजीज बताई। सर प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि सिविल सर्विसेज जो है वो हार्ड वर्क, परसिवरेंस के साथ साथ एक पेशेंस, धैर्य का भी एक बहुत बड़ा टेस्ट होता है, और इसमें कई बार ऐसा होता है कि अच्छे से अच्छे प्रतिभावान जितने स्टूडेंट्स हैं वो अगर एक दो बार फेल हो जाते हैं तो वो अपना कॉन्फिडेंस लूज करने लगते हैं। तो पढ़ाई के दौरान भी, तैयारी के दौरान भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हम एनकाउंटर होते हैं जो हमारे इंटरेस्ट के नहीं रहते और हमें उन्हें पढ़ना पड़ता है, तो कई बार गिव अप करने का मन करता है। आप अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या करते थे? अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए मैं अपनी हॉबी फाउंड कर सकती हूँ, और मेरी हॉबीज में सबसे बड़ी हॉबी जो करंटली भी अंडरगोइंग है वो है मैं नॉवेल्स फाउंड पढ़ता हूँ। नॉवेल्स जो है वो इस तरह की जिसमें एक्शन एडवेंचर हो और जिसमें थोड़ा मिस्ट्री थ्रिलर, इस तरह का नॉवेल्स मैं पसंद करता हूँ। और ऑल्सो एक कैटेगरी है माइथोलॉजिकल नॉवेल्स जो आजकल काफ़ी चलन है, जैसे अमीश त्रिपाठी के नॉवेल्स हैं, इसके अलावा आर्थर कॉनन डॉयल की स्पाई नॉवेल्स बहुत अच्छी है, और अगाथा क्रिस्टी की नॉवेल्स है बहुत अच्छी अच्छी है, स्पाई थ्रिलर नॉवेल्स बहुत अच्छी है, क्रिस्टोफर डॉयल की माइथोलॉजिकल नॉवेल्स। हम लोगों ने मतलब ये सारी चीज़ें मैं उस टाइप से पढ़ता रहा जिस टाइम से मतलब इन ऐसी चीज़ों को पढ़ने का मेरे पास एटमॉस्फेयर नहीं था,
मैं गांव में बैठ के अपने घर में बैठ के ऐसे नॉवेल्स पढ़ा हूँ और ऑनलाइन बहुत सारे नॉवेल्स मैंने पढ़े हैं, किंडल, अमेजोन पे किंडल। आज भी मैंने तकरीबन 25 किताबें मेरी किंडल पे पढ़ी हैं। मैं खाली टाइम मिले तो पढ़ता हूँ। कई बार क्या है आपको ऐसी चीजें, जैसे यू ऑल नो हरेली को मैं अभी किताब पढ़ रहा हूँ, होमो सेपियंस, ये मानव जाति का जो इतिहास है वो किस तरह से इवॉल्व होते हुए आया है। तो इस तरह की चीजें जो आपकी हॉबी है, क्योंकि मैं अपनी हॉबी ही इस तरह की शुरुआत से डेवलप किए हुआ हूँ, मुझे इस तरह की चीजों में नॉलेज है कि इंटरेस्ट है कि वेरियस फील्ड्स ऑफ नॉलेज, क्या 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 नॉलेज आप गेन कर सकते हो। जीएस मेरे शुरुआत से स्ट्रांग रहा है, इसलिए एक हॉबी की वजह से मैं ज्यादातर डैन ब्राउन की किताबें, जो अपना एंजल एंड डेमन्स है, द विंची कोड है, ये सारी चीजें, ये लगातार हम लोग, इवन अगर हिंदी में अवेलेबल नहीं है तो मैं इंग्लिश में मैं ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता हूँ रीडिंग के दौरान, लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, सो यू हैव टू अडॉप्ट कि आपको इंग्लिश नहीं आती है या इंग्लिश आपकी थोड़ी कमजोर है, तो आप ज्यादा इसको स्ट्रॉन्ग करके और ज्यादा फील्ड ऑफ नॉलेज तक आपका अप्रोच हो जाता है। तो कई बार क्या होता है कि जब ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता तो मैं इंग्लिश में भी पढ़ लेता हूँ, इंग्लिश में भी कोई सीरीज देख ली, या इस तरह की चीजें, जो नॉलेज लेने का जो तरीका है अलग अलग जगहों से। हॉबी परस्यू करना आपको बहुत पेशेंस दिलाता है कि अगर जैसे अभी पैंडेमिक चल रहा है, किसी भी तरह का एग्जाम्स भी हो रहा है, तो स्टूडेंट्स को अभी अपने नॉलेज को, अपने आप को, अपने दिमाग को मांझने पर ज्यादा जोर देना चाहिए। ये समझ लीजिए कि आपका ऐसा समय है जब युद्ध जो है चल रहा है, अचानक से आपका इंटरवल हो गया और युद्ध के को रोकने का शांत बच गया और अगले दिन सुबह से फिर युद्ध होने लगा, तो बीच में एक योद्धा क्या करता है, बीच में अगर वो योद्धा अपने तलवार पे धार लगाने में व्यस्त है तो वो अगले दिन बहुत अच्छा करके बताए, और अगर उस बीच में वो योद्धा अपना सोने में समय व्यतीत कर रहा है तो इससे क्या है उसको अगले दिन नुकसान ही होता है। तो ये समझ लीजिए कि आपके ज्ञान के जो शस्त्र है उनको धार लगाने का समय, तो आप इस पेंडेमिक के टाइम पे पेशेंस यूज करने से बेहतर है कि आप उसी दिशा में आगे बढ़िए जो दिशा आपने ऑलरेडी चूज की है। मैं हमेशा कहता हूँ दिशा चूज करने से पहले या अपना कोई एक डिसीजन लेने से पहले आप 100 बार सोच सकते हैं, आप सोचिए, उसके लिए आपके पास पूरी तरह से विकल्प है, लेकिन एक बार जब आपने वो डिसाइड कर लिया तब एक बार भी मत सोचिए। आपने सिविल सर्विस परस्यू करने का डिसाइड किया तो आप उसी में आगे बढ़िए, बीच में एक इंटरव्यू आ गया, एक तरह का इंटरवल आ गया, तो आप उसमें रुकिए मत, आप उसी चीज को आगे परस्यू करते हुए ऐसा अपने नॉलेज के इस लेवल तक मान लीजिए कि आप जैसे ही वो इंटरवल खत्म हो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट एग्जाम ही क्लियर करें, तो ये आप इस टाइम का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करें। सर ने मेरे एक्चुअली अगले क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया, मैं यही उनसे जानना चाह रही थी कि भाई स्टूडेंट्स काफी उस समय से प्रिपेयर कर रहे हैं, पर कोरोना लॉकडाउन पेंडेमिक ने जो उनकी पढ़ाई में ब्रेक लगा है, ऐसे में आपको भी प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। तो सर ने बिल्कुल कहा कि आप डिसीजन लेने से पहले सोचे, पर जब एक बार डिसीजन ले लें तो दोबारा पीछे मुड़कर ना देखें। आपने उस समय जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही था, क्योंकि उसके पास उसके उस समय आपके हिसाब से वो सबसे सही डिसीजन था, ठीक, तो उसके रिग्रेट नहीं करना। और जैसे कि सर के अभी एक्सप्लेन किया उन्होंने, से समझ में आ रहा है कि जब आप कोई गोल डिसाइड कर लेते हैं, जैसे सर ने नॉवेल की भी बात कही कि अगर मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, इंग्लिश में उतना नहीं, लेकिन जब मुझे पढ़ना रहता तो मैं इंग्लिश में भी पढ़ता था। जब आप कोई लक्ष्य डिसाइड करते हैं और आपको वो लक्ष्य मुश्किल लगने लगता है तो लक्ष्य को मत बदलिए, अपनी तैयारी के तरीकों को बदलिए, अपने तरीकों को, एफर्ट्स को बदलिए, पर लक्ष्य को मत बदलिए, कि लक्ष्य आपने काफी सोच समझ करके तय किया था। तो कोरोना महामारी के दौरान सर ने कहा कि आप अपने जो हॉबीज हैं उनसे परस्यू करिए, एक तरह का युद्ध चल रहा है समझ लीजिए, जिसमें अभी कुछ वक्त का ब्रेक है और आपको अपनी तलवारों को धार देना है, ना कि घर पर बैठ के सोना है, ठीक। तो आप इस तरह के वीडियोज देखें, आप अपनी हॉबीज परस्यू करें और इस पूरे समय का सदुपयोग करें। सर, हेल्थ के साथ साथ अनसर्टेनिटी जो एग्जाम्स की है, साथ ही साथ पीएसए से लगातार जुड़े जो विवाद हैं एग्जाम्स के उत्तर, क्वेश्चंस के उत्तर, इन सब चीजों के चलते स्टूडेंट्स के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बन गया, इंटरेस्ट खत्म हो गया, इस सिविल सर्विसेज की तरफ उनका इंटरेस्ट दोबारा अगर लाना हो तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिये, जब से हमारा राज्य बना है तब से लेकर तकरीबन 10 साल तक के मुश्किल से 2 या 3 पीएसए, तकरीबन 2011 या 12 से ये ट्रेंड आना शुरू हुआ कि लगातार हर साल पीएससी के एग्जाम्स कंडक्ट किए जाने लगे।
उसके बाद से एनवायरनमेंट बनने लगा कि लोगों में प्रिपरेशन का एक कल्चर बन गया कि हम अपना यूजी या पीजी परस्यू करने के बाद हम अपना कोचिंग करने चले जाएंगे। और जो सीजीपीएससी का एनुअल एग्जाम होता है, सीएससी का सिविल सर्विस होता है, हम उसी को फाइट करते हुए उसी में कुछ अच्छा करेंगे। बीच में हमारे पैंडेमिक आ गया, कुछ समय हमारा पीएससी के कैलेंडर पर ब्रेक लगा, लेकिन इसमें मैं सबसे ज्यादा लोगों को ये, हमारे स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूंगा कि अपने आसपास आप तैयारियों में इतना भिड़ जाएंगे कि अपने आसपास क्या हो रहा है इन सारी चीजों को सोचने या देखने का आपके पास वक्त ही नहीं। मैं आपको कायदे से बताऊं तो मैं एक तरह से आजकल जो टर्म आता है नेटिजन, नेट की दुनिया से बहुत जुड़ा हुआ व्यक्ति, मैं सोशल साइट्स को चलाता हूँ, काफी सारे जगह पे मैं एक्टिव हूँ, लेकिन एक भी जगह मैं अपने प्रिपरेशन के दौरान एक भी जगह मैंने सीजीपीएससी से रिलेटेड, स्पेशली जो नोटिफिकेशन से रिलेटेड, कोई भी एक वेबसाइट या एक भी पेज सब्सक्राइब कर दिया, ना ही मैंने किसी पेज को लाइक किया था, ना ही किसी ऐसे हैंडल को फॉलो या फ्रेंड बनाया। इससे क्या होता है कि ये मेरा अप्रोच है, प्योरली माई अप्रोच, ऐसा नहीं है कि सबको ये करना चाहिए, लेकिन मेरा अप्रोच ये रहता था कि ये सारी चीजें जानने से बढ़िया कि किस चीज का मॉडल आंसर आया, किस इवन मैं मॉडल आंसर मिलाने वाले लोगों में से भी हूं, है ना, किस चीज का मॉडल आंसर आया, कौन सा एग्जाम पोस्टपोन हुआ, कौन से एग्जाम का फॉर्म आया, कौन से एग्जाम का फॉर्म आया और उस फॉर्म को डालने की तिथि कब है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। उसके बाद उसका रिजल्ट कब आया, रिजल्ट में आपका रैंक क्या रहा, ये सारी चीजें देखना आपके जरूरी है। बीच में ये चीजें देखना कि कब तक रिजल्ट आ जाएगा, कौन सा हाई कोर्ट में इसका अर्जी लगा है, हाई कोर्ट में क्या डिसीजन हो रहा है, या ये जानने की कोशिश करना कि अंदर की खबर क्या है कि कब रिजल्ट आ रहा है, कब तक के डिक्लेयर हो जाएगा और कौन कौन इंटरव्यू के बोर्ड में बैठा है, ये सारी चीजें जानने की कोशिश, ये अतिरिक्त एफर्ट लगाना जो है मुझे लगता है कि वेस्टेज ऑफ टाइम है, और मुझे लगता है कि आपका जो डिस्ट्रैक्शन है वो ये बढ़ा देता है, आपका जो ध्यान है वो केवल और केवल पेपर लिखने तक के और रिजल्ट देखने तक। तो आपको केवल तीन चीजें करनी है, फॉर्म भरने के लिए आपको अवेयर रहना है, पेपर लिखने के लिए आपको नेसेसरी प्रिपरेशंस करना है, तीसरा आपको रिजल्ट देखना है। रिजल्ट अच्छा नहीं आया, आगे बढ़ जाओ, दैट्स अ स्किपिंग स्टोन, आप एक पत्थर पे पैर रखे उसमें आपका बैलेंस नहीं बना, आप आगे बढ़ जाएंगे। आपको ये जरूरी नहीं है कि आप उसी पत्थर से मोह लगा के बैठ जाएंगे कि हमको तो यही चाहिए था, आप आगे बढ़िए, नेक्स्ट टाइम ट्राई करिए, सिर्फ पीएससी एक साल नहीं हो पाए, नेक्स्ट टाइम ट्राई करिए। परसिवेरेंस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरे अपने घर में, मेरे यहाँ मेरे बड़े भैया लगातार पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, उन्होंने दो साल दो बार मेरे साथ इंटरव्यू किया, इतना उनसे ज्यादा परसिवेरेंस वाला व्यक्ति मैंने आज तक देखा। आज वो एक बहुत अच्छे रिप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब में है और वो लगातार जो है वो अभी भी बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स के लिए, आगे बढ़ने के लिए अभी भी टोटली मोटिवेटेड है और वो किसी भी तरह से कभी भी रुके नहीं। और आज एक बहुत बहुत लंबे समय, लंबा अरसा हो गया उनको आपके लिए एग्जाम देते हुए, अभी भी करंटली एक जॉब में है, लेकिन उनका कभी भी मोरल डाउन होते हुए मैंने आज तक नहीं देखा। इससे ज्यादा मतलब आपको ये ज्यादा जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि अराउंड ग्लोब हो क्या रहा है, एग्जाम जो एग्जाम को इफेक्ट आता है, आपको ये जानना है कि आपके तैयारी को क्या चीज इफेक्ट करेगी। हाँ, आपका कोर्स चेंज हो गया तो आपकी तैयारी को इफेक्ट करेगा, इस चीज को आप अपने जानकारी में लीजिए और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी प्लान कीजिए। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप अंदर की खबर निकालने की कोशिश करेंगे कि ये क्या हो रहा है, कौन इंटरव्यू बोर्ड में है, कौन किस हाई कोर्ट का जज है, कौन कौन सी हाई कोर्ट की कौन सी बेंच की इस मामले की सुनवाई कर रही है, किसने याचिका लगाया है और मॉडल आंसर में कितना सही कितना गलत है। इवन आप मॉडल आंसर मिलाने की भी कोशिश करते हैं तो वो एक तरह से आपके मोरल को डाउन करता है कि कट ऑफ कितना जा रहा है, कट ऑफ के लिए चार लोगों से जो आप चर्चा करेंगे वो भी कहीं ना कहीं आपके मानसिकता को अफेक्ट करेगा। इसीलिए सिर्फ तीन चीजों पर ध्यान रखिए, फॉर्म भरना कब है फॉर्म भर दीजिए, एग्जाम कब देना है तैयारी कर लीजिए उसके लिए, रिजल्ट कब आ रहा है, रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट को देख लीजिए एक बार, आपका रैंक क्या है, स्पेशली अगर उस रिजल्ट से आपको ये पता चल पाता है कि आपका मार्क्स कितना था, तो
तो जरूर उसको देखिए और उस मार्क्स के बेस पे आपको कौन से फील्ड पे कौन से सब्जेक्ट में आपको तैयारी या फोकस ज्यादा करना है उस पर आप ज्यादा जोर दें और अननेसेसरी बाकी सारी चीजों के ऊपर ध्यान लगाने से आपका अपना ध्यान बढ़ेगा, एनर्जी वेस्ट होगा और आपका टाइम तो वेस्ट होगा। इसीलिए आपको सिंगल पॉइंट एजेंडा अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख तो आपको अगर अपने बीएससी के लक्ष्य को भेदना है तो बिल्कुल आपको सिर्फ आग पे निशाना लगाना है, बाकी दुनिया में जो चल रहा है उस पे आप ध्यान ना दें। When you will stop thinking, you will start doing. आप सोचने, चर्चा करने, बात करने और इन चीजों में वक्त जाया करने से ज्यादा उतना ही वक्त अपने प्रिपरेशन में लगाइए, तब आप उस लक्ष्य को भेद पाएंगे। बहुत अच्छी सर ने बात हमसे कही और कहीं ना कहीं ये जो चीजें मैं आपसे पूछ रही थी, एक मेरा सवाल था उसका सर पहले जवाब दे दिया कि आपके प्रिपरेशन के दौरान भी जैसे अभी समस्याएं आई हैं वो भी आई थी क्या, तो सर ने कहा दो या तीन बार की एग्जाम्स हुए और किस तरह से उन्होंने उसको ओवरकम किया और प्रॉब्लम्स को कैसे फेस किया, कैसे उसे ओवरकम किया सर ने बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बताया। सर अभी मौजूदा हालात में जब स्टूडेंट्स कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, फिजिकली कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, तो ऑनलाइन स्टडी जो होती है उसका क्या रोल आप देखते हैं, क्या प्रोस्पेक्ट है सिविल सर्विस के प्रिपरेशन में? मेरे अपने प्रिपरेशन में ऑनलाइन स्टडीज का बहुत बड़ा योगदान है। मैंने ऑल्दो मेरे टाइम पे इतने सारे कंटेंट्स अवेलेबल नहीं थे और जो भी कंटेंट हमको मिलता था वो या तो प्रिंटेड होता था या तो फिर लो क्वालिटी का या सबस्टैंडर्ड क्वालिटी का, बट हमने उसमें भी अपना काम चलाया। आज तो कंपटीशन का जमाना है और कोचिंग्स के लिए भी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए भी बहुत वाइडर अप्रोच ऑफ कंपटीशन आपके पास अवेलेबल है। इसकी वजह से कोई स्मार्ट बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, कोई नॉर्मल व्हाइट बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, कोई पीडीएफ में पढ़ा रहे हैं, कोई सिंपल से सिंपल टेक्निक लेकर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे अल्टीमेटली फायदा जो है स्टूडेंट्स को ही होगा। और आज के डेट में स्टूडेंट्स को जो है ऑनलाइन जो लर्निंग मीडियम है ये एक बहुत अच्छा अप्रोच है। ये तो हम लोगों ने अपने यहाँ स्कूल लेवल के जो एग्जाम्स हो रहे हैं या पढ़ाई हो रही है उसमें भी हम लोगों ने लगातार इन सब चीज़ों को अप्लाई किया है। तो ड्यूरिंग द पेंडेमिक टाइम और स्पेशली द लॉकडाउन टाइम बच्चों को सबसे ज़्यादा ऑनलाइन मीडियम ऑफ जो लर्निंग है उस पर फोकस करने के लिए वो बाध्य हो जाते हैं ऑलरेडी, और जो पहले से ही इस चीज़ को अडॉप्ट करके रखे हैं उन लोगों के लिए और आसान हो जाता है। और मैं तो अलग अलग चीज़ों से तैयारी करने वाले व्यक्ति रहा हूँ, तो मैं क्या है यहाँ तक कि किसी भी सिंपोजियम में गए, किसी तरह के गवर्नमेंट मेले में गए अगर मान लो, तो वहाँ जो विभाग की तरफ से जो पैम्पलेट बनते हैं मैं तो वो तक ले जाता था और उसमें से मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स और डेटा निकाले। ऑल्दो वो सारी चीज़ें आप वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, तो ये जो गवर्नमेंट के जो दिए हुए डेटा है जनरली ये चैलेंजेबल नहीं होते, तो आपको ज़्यादातर उन चीज़ों पर रिलाई करना है जिसके गवर्नमेंट ऑलरेडी डेटा रिलीज कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से आप पढ़ाई करेंगे। दूसरा क्या है ऑनलाइन ऑप्शंस में आजकल काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको जाना उस तरफ है जिस तरफ ज्यादा अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट मिल सके, अच्छी क्वालिटी का मिल सके। नॉट क्वालिटी, नॉट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वीडियो की क्वालिटी, मैं ये कह रहा हूँ कि कंटेंट की क्वालिटी, जो उसका बेस मटेरियल है, जो रिसर्च का मटेरियल जिसका इस्तेमाल किया गया है। जैसे अगर आप एनसीईआरटी से किसी भी ये लेक्चर को पढ़ा रहे हैं तो एनसीईआरटी एक बेस मटेरियल, बहुत स्टैंडर्ड बेस मटेरियल माना जाता है, तो अगर आप उस तरह के वीडियोज को अप्रोच करते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा, स्टूडेंट्स को एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव मिल पाता है और एक जो जो ऑथेंटिक जो जानकारी वो आप वो बच्चों को मिल पाती है। तो स्टूडेंट्स के लिए मेरा यही संदेश होगा कि अगर आप ऑनलाइन लॉकडाउन के टाइम पे ऑनलाइन के अलावा तो ऑप्शन नहीं है, तो ऑनलाइन आप चाहे आप प्रिंटेड मटेरियल ऑनलाइन पीडीएफ मटेरियल पढ़ें या फिर ऑनलाइन वीडियो या ऑनलाइन जो ऑडियो आजकल भी आने लगे हैं, तो ऑडियो हो वीडियो हो या फिर इमेजेस हो या तो फिर पीडीएफ हो, ये जहां से भी आप लें ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए ऑथेंटिक, ऑथेंटिक सोर्सेस से होने चाहिए, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होने चाहिए। इसी चीज पे लोगों को अपने स्टूडेंट्स को ज्यादा फोकस करना चाहिए और ऑनलाइन वे में पढ़ने से ज्यादा फायदा ये भी है,
कि आपको बाहर कहीं जाने से के लिए जो समय बिताना पड़ेगा, जो वेस्ट करना पड़ेगा वो आपका बच जाएगा, एक्सेस जो आप एनर्जी वेस्ट करेंगे वो भी बच जाएगा, आप घर पे ही बैठ के बहुत आसानी से सेफ एनवायरनमेंट में आप अच्छे से तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन तो जब मेरे टाइम पे कल्चर नहीं था, मैं हालांकि मेरे टाइम कहने का मतलब उतना ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन मेरा टाइम कहने का मतलब ये है कि उस समय उतना ज्यादा कॉन्टेंट्स अवेलेबल नहीं थे, उसके बावजूद मैंने ऑनलाइन भी बहुत सारी पढ़ाई की, तो मैं तो ऑनलाइन पढ़ाई के बहुत पक्षधर रहा हूँ, अभी भी हूँ। और अब तो ये बहुत ज्यादा दिस इज द न्यू नॉर्मल, सो अब जो है लोगों को ज्यादा ऑनलाइन की ओर आना भी चाहिए। पैंडेमिक ओवर होने के बाद भी ऑफिशियल क्लासेस का अपना एक महत्व है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस का भी उतना ही महत्व है, तो ऑनलाइन क्लासेस को भी लगातार पर्सू करना चाहिए। और कंपटीशन कम्युनिटी भी लगातार इस कोशिश में लगा हुआ है कि सुदूर इलाकों में जो स्टूडेंट्स पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं या ऐसे माहौल में जब वो फिजिकली कोचिंग नहीं जा पाते हैं, ऐसे सभी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन माध्यम से अच्छे गुणवत्ता वाले नोट्स और वीडियोस प्रोवाइड कर सके। हमारी हमेशा ये कोशिश रही कि हालात जैसे भी हो चाहे आपकी जो तैयारी है आपके ड्रीम्स को अचीव करने की वो ना रुके। तो अगर अभी तक आप कोई अच्छे ऑनलाइन स्टफ को सर्च कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि अब आप ऑनलाइन मोड में तैयारी करें और आपकी स्टडीज को ब्रेक ना लगे, तो आप एक बार हमारे डेमो वीडियोस जरूर देखें। एंड इफ यू लाइक देम देन जस्ट परचेज द कोर्सेज और गो फॉर द कोर्सेज विद द कोर्सेज फॉर ऑल द पॉसिबल स्टेट लेवल एग्जाम्स। सो सर ने ऑनलाइन तैयारी के बारे में काफी कुछ कहा, और खास तौर पर मैंने देखा कि ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑफलाइन पढ़ने के बोर्ड में ज्यादातर रहे, 4-5 सालों से तैयारी कर रहे, तो उनको स्विच करने में दिक्कतें होती हैं। तो ये तो है कि बुक को कभी कोई चीज रिप्लेस नहीं कर सकती, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनेट के जरिए आपको असीमित साधन जो मिल रहा है वो एक एज है जो बुक के ऊपर आपको दिलाता है। जाहिर सी बात है आपको रीडिंग स्किल्स आपको कभी छोड़ी नहीं चाहिए। ऑफलाइन क्लासेस में जो आप अटेंड करते हैं, ये जो 1-to-1 आपका इंटरेक्शन होता है वो एक अलग महत्व का होता है, लेकिन हर चीज के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। और ऑनलाइन का जो फायदा है वो यही है कि इसमें आपको अनलिमिटेड रिसोर्सेज मिल रहे हैं। सही तरीके से सही डायरेक्शन में आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको दूसरे स्टूडेंट से कहीं ना कहीं एज जरूर मिलेगा। तो आप एक बार हमारे वीडियो जरूर देखें अगर अभी तक आप एनरोल नहीं हुए, और अगर आपको सही लगे तो आप उन कोर्सेज को जरूर लें ताकि आपको अपने ड्रीम्स अचीव करने में मदद मिले। थैंक यू सर फॉर ऑल दीज थिंग्स। मैं फाइनल आपसे कुछ टिप्स एंड मैसेजेस चाहती हूँ, योर सक्सेस मंत्र फॉर स्टूडेंट्स जो उनको सक्सेस दिया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बच्चों को गाइड करने के लिए बुलाया। और दूसरा मेरा सक्सेस मंत्र, मैं सबसे पहले बच्चों से कहना चाहूँगा, ड्यूरिंग द पेंडेमिक टाइम पेशेंस सबसे बड़ा सक्सेस मंत्र है। और पेंडेमिक के बाद, पेंडेमिक के नहीं कहना चाहिए, लॉकडाउन के बाद जो है वो सबसे आसान है परसिवियरेंस। आप लगातार जूझते रहे, इससे आपका जो प्रतिभा है उसमें बहुत निखार आएगा। और टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, और दूसरा एडेप्टेबिलिटी। और पेंडेमिक ने हमको कुछ अगर सिखाया है, बहुत स्ट्रांगली अगर कुछ चीज सिखाया है, दैट इज एडेप्टेबिलिटी। किसी भी नए चीज को, किसी भी नए नॉलेज, किसी भी नए मीडियम या किसी भी नए वे ऑफ लिविंग लाइफ, उसके लिए इंसान को अडेप्ट होना पड़ता है। तो वो एडेप्टेबिलिटी जो है वो आप अपने अंदर लाइए, चाहे वो आपका लर्निंग मीडियम हो, चाहे वो आपका लाइफ जीने का तरीका हो, एडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। और बाकी इनोवेटिव थिंकिंग, जितना नए तरीके से आप सीख सकते हैं, जितना नया अप्रोच आप लगा सकते हैं, आप उतना लगाएंगे। और मैं इस बात की 100% एश्योरिटी देता हूँ कि रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव और बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज एन ऑनर लिसनिंग टू योर थॉट्स। और मैं पूरी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद कहती हूँ, और पूरे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीजें आज सर से जानने को मिली होंगी जो आपको इंस्पायर करेंगी अपनी तैयारी को और धार और रफ्तार देने के लिए। और डेफिनेटली में कई ऐसी बातें हैं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो अपने ड्रीम्स को जरूर अचीव कर सकेंगे। तो आखिरी में विदा लेते हुए मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मकसद ना ओझल होने पाए, बिना रुके तू चल, कामयाबी तेरे कदम चुमेगी, आज नहीं तो कल। थैंक यू सो मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।